सीधी जिले के दोहनी विधानसभा में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ, जहां मडवास राजा अभी उदय सिंह राज की अगुवाई में भारी संख्या में ग्रामीणों ने सदस्यता लिए। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि हमारे विकास के काम को देखकर कांग्रेस को गुस्सा आता है। देखे दोहनी विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या कहा। कभी मैंने जब इन्होंने मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। खैर रीति पाठक जी भी आए, आप देखिए वर्षों से हम मांगते रहे रेलवे लाइन रेलवे लाइन, लेकिन आज रेलवे लाइन का काम अब तेजी से प्रारंभ हो गया है। सीधी में रेलवे लाइन पिछले समय में आया था, केदार जी का बेटी का विवाह था, उस समय मैं यहां घोषणा करके गया था सीधी को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 25 करोड़ रुपया मिनी स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए जारी कर दिए गए, स्वीकृत कर दिए गए हैं, और 14 काम उसको स्वीकृत करके वो काम तेजी से प्रारंभ होंगे। लेकिन केवल 25 करोड़ में सीधी स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, उसके लिए तो और करोड़ लगेंगे। मैंने उस दिन कहा था कि सीधी को ऐसा शहर बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, में हमने काम प्रारंभ किया है। सीधी में स्मार्ट सिटी का निर्माण, सीधी में पॉलिटेक्निक कॉलेज, सीधी में ITI, सीधी में 300 बिस्तर का अस्पताल, सीधी के कन्या महाविद्यालय में अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट की कक्षाएं, यहां कन्या शिक्षा परिसर, नया परिवहन कार्यालय, बांध सागर बांध से 75,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था, महान परियोजना से 40,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था, और अब 204 करोड़ रुपए की लागत से महान विस्तार का द्वितीय चरण, जिससे 18 गांव की 22,000 एकड़ जमीन में मेरे किसान भाइयों सिंचाई होगी। मैं आज सीधी में यह गर्व से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, कांग्रेस ने तो सूखों का मध्य प्रदेश दिया था, मैं सीधी जिले के हर गांव की जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करके इस सीधी को पंजाब और हरियाणा जैसी उपजाऊ सीधी जिले की इस जमीन को बना के किसानों की समृद्धि बढ़ाने का काम करूंगा। एक नहीं ऐसे अनेकों काम, रीवा सीधी एनएच मार्ग 276 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं, सीधी दहरी सिंगवाली मार्ग 871 करोड़ रुपया, सीधी व्यवहारी मार्ग 64 करोड़ रुपया, सीधी सिरसी मार्ग 62 करोड़ रुपया भी मंजूर किया है, सीधी शहरी मार्ग 44 करोड़ रुपया। अगर ये सारे काम गिनाऊंगा तो पूरा दिन यही लग जाएगा। आज ईमानदारी से बताइए, कांग्रेस ने भी राज किया है मध्य प्रदेश की धरती पर, सीधी में भी कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। जितने विकास के बाद केदार भाई खड़े, आपने कहा सोन नदी पर नया पुल हमने स्वीकृत कर दिया, बकोंडा बांध उसको स्वीकृत कर दिया, और आगे भी केदार जी सीधी के विकास के लिए जो कहोगे शिवराज सिंह चौहान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सांसद जी विधायक जी ये नेतृत्व मेरा बैठा हुआ है, आप मिलकर जो सीधी के लिए बताओगे मैं कभी कोई कंजूसी नहीं करूंगा। और एक बात बताऊं, हमारी सरकार कांग्रेस की तरह मुगलेश सरकार नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में तो पैसे नहीं रहता था खजाने में, अपने खजाने में धन की कोई कमी नहीं है। अभी लक्ष्मी भैया कल ने पूजा की, दीपावली की शुभकामनाएं, दिवाली अभी जारी है, 11 तक देव उत्थानी 11 तक दिवाली जारी रहेगी, इस बार पूजा मैंने भी लक्ष्मी जी की, और एक ही चीज मांगी कि मैया मेरे 7.5 करोड़ जनता पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, सबके घर सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, और सबके घर और आंगन खुशियों से सज जाए। लेकिन एक चीज मैंने भी मांगी, मैया मुझ पर भी कृपा की वर्षा करना, मेरा खजाना इतना भर देना कि गरीबों की जो सेवा मैं करता हूँ योजना बना बना के धन की कोई कमी नहीं आए। मैंने मध्य प्रदेश बदलने की कोशिश की, 54 साल कांग्रेस ने विराज किया, क्या किया कांग्रेस, क्या दिया तो मध्य प्रदेश को, गर्जोबाजी सबसे कांग्रेस ने दी भाई, अंधेरों का प्रदेश मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने बनाया था, महान जैसी परियोजना कभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की, और सीधी में पानी, सीड़ी में बिजली, सीड़ी में सड़कें, विकास के सारे काम हमने किए हैं। लेकिन आजकल कांग्रेस एक विज्ञापन जारी कर रही है, गुस्सा आता है, आपने भी देखा होगा, लेकिन गुस्सा जनता को नहीं आता, गुस्सा कांग्रेसियों को आता है।
सड़कें खोद के गड्ढों में तब्दील कर दी। हमने 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बना के मध्य प्रदेश की जनता को दे दी। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। वो बाण सागर महान सागर पूरा नहीं कर पाए, हमने बाण सागर और महान सागर पूरा करके किसान के खेतों में पानी दे दिया। इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। उनके जमाने में 2-2 घंटा बिजली नहीं मिला करती थी, हमने गांव में भी भरपूर बिजली दे दी। इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम्हारी झोंपड़ी तुम्हारी टापरी में गांव गांव में कांग्रेस के जमाने में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, अंधेरा रहा करता था। हमने हर गरीब घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया। इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। मेरी बहनों, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ कहते रहे, गरीब ही हटा दिया। अरे मैंने अपने गरीब बहनों और भाइयों को 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक खिलाया। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। कांग्रेस की सरकार में गरीब पड़ा रहा झोपड़ियों में और पन्नी तान के हमने कह दिया, मेरे गरीब भाई बहन भी अब झोपड़ियों में नहीं रहेंगे, सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। और आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, केदार शुक्ला जी, रीति पाठक जी और इनके नेतृत्व के सामने 2022 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बना के दे दिया जाएगा, सबको पक्का मकान। ये गरीबों का हक और अधिकार है, कभी कांग्रेस ने नहीं दिया। हम गरीबों के पक्के मकान बना रहे हैं। इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरी बहनों, तुम्हारे बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए, वो गरीबों से भलते नहीं बन रहे थे। मैंने 77 लाख गरीबों के 6,000 करोड़ रुपया बिजली के भरवा के उनके बिल को 0 करवा दिया। इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई की कभी कांग्रेस ने चिंता नहीं करी है, और उल्टे शिक्षक का कैडर खत्म कर दिया, उनकी जगह गुरु जी बना के तनखा दी 500 रुपया महीना, पूरी शिक्षा की व्यवस्था चौपट कर दी। मैंने फिर से गुरु जी को अध्यापक बना के शिक्षक बना दिया। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे बेटा बेटी, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे गांव जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। मैंने साइकिल मेरे बेटा बेटियों को दिलवा दी, और जब मेरी बेटियां साइकिल पर बैठ के स्कूल जाती है, जो आनंद और प्रसन्नता मेरे दिल में होती है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैंने अपने बेटे बेटियों को साइकिल दिलवाई। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मैंने अपने बच्चों को कह दिया, तुम्हारी किताबें तुम्हारे मम्मी पापा ने खरीदेंगे, तुम्हारा मामा खरीद खरीद के भिजवाएगा, मैं खरीद के बच्चों को किताबें दिलवाता हूँ। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरे बेटे बेटी, जो मुझसे असीम प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों, मैंने कह दिया और वो चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज IIT IIM कहीं भी होगा, फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। तुम तो पढ़ते रहो रे, तुम तो पढ़ते रहो रे। मैं अपने भाग्य भाइयों की फीस भरवाता हूँ। इससे कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरी बहने जो तेंदुपत्ता तोड़ती थी, महुए का फूल बीनती थी, नंगे पांव जाती थी, पांव में कांटे करते थे, पत्थर चुभते थे, मैंने तय किया कि मेरी बहनों के पांव में चप्पल पहनाऊंगा, साड़ी भेंट करूंगा, पानी की कुप्पी दिलवाऊंगा। मैंने चप्पलें भेंट करवाई, लेकिन कांग्रेस ने अफवाह फैलाई, शिवराज बड़ा खतरनाक है, उसने चप्पल भेजी है, ये पहन मत लेना, नहीं तो कैंसर हो जाएगा, कैंसर। हे भगवान के गुरु, तुमने तो कभी दी नहीं, मैंने बहनों के पांव में चप्पल पहनाई, उसमें भी तुम डरा रहे हो। मैंने बहनों को चप्पल, पानी की कुप्पी और साड़ी दिलवाई। इसलिए कांग्रेसियों को गुस्सा आता है। मेरी गरीब बहनाओं, बेटा बेटी को जन्म दोगी तो संबल योजना, जन्म देने से पहले 4,000 रुपया और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया मेरे
सरकार भी आ जाएगा तो कांग्रेसियों को गुस्सा आता है और गुस्से में वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कभी हत्यारा कहते हैं, कभी पता नहीं और कौन से आरोप लगाते हैं, अकेले हाथ नहीं लगाते, सूरत से लेके छिंदवाड़ा तक तो लगाते हैं, ग्वालियर तक, लेकिन राहुल बाबा भी उनके आरोप लगा के चले जाते हैं, पहले पनामा जीत में इनके बेटे का नाम है या दूसरे दिन पत्रकारों को क्या सबूत बताओ, चले गलती हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया था, पूरी कांग्रेस ही कंफ्यूज है मेरे बहन और भाइयों, इनको गुस्सा इसलिए आता है ये सत्ता के बाहर है, ये कुर्सी के बिना जी नहीं सकते, एक कुर्सी मेरे बिना क्या जीना, 15 साल से ये गांव का किसान का बेटा कुर्सी पर बैठा है, ये हमसे हट नहीं रहा, इसलिए उनको गुस्सा आता है, लेकिन सीधी के मेरे बहन और भाइयों आज मैं अपील करने आया हूँ, शिवराज सिंह चौहान गरीबी दूर करने के आंदोलन का नाम है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के आंदोलन का नाम है, हमने बड़ी मुश्किल से तबाह और बर्बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हमारे लिए छोड़ा था, उसको बड़ी मुश्किल से आबाद किया है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, बड़ी मुश्किल से मध्य प्रदेश के विकास को मैं लाइन पर लेके आया हूँ, और भी आज प्रार्थना करता हूँ कि मध्य प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश से हमने विकासशील बनाया, विकसित बनाया, और अब हम समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने वाले हैं, और मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में मेरे किसान भाइयों आपको पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, अभी सोयाबीन पे भी 500 रुपया क्विंटल और अलग से डाला जाएगा, धान 1700-1750 रुपया क्विंटल से कम में नहीं खरीदी जाएगी, गेहूँ पिछले साल 2000 था, इस साल 2100 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, किसान को भरपूर पसीने की कीमत दूंगा, ये मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश का नक्शा है, गरीब बहनों और भाइयों तुम्हारी गरीबी शिवराज सिंह चौहान दूर करेगा, भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी, मैंने खजाने का मुंह अपने गरीबों के लिए खोल दिया है, ताकि उनकी जिंदगी के दुख दर्द दूर करके उनको भी समृद्धि के रास्ते पर ले जा सकूं, मेरे बेटा बेटियों तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहेगी, मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में नौजवानों को हर साल 10 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे, और मेरी माताओं बहनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर चैन की सांस लूंगा, एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां सब सुखी होंगे, सब विरोध होंगे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसा मध्य प्रदेश बनाने निकला हूँ, और इसे आपसे आज सीधी में अपील करने आया हूँ, ऐसे मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने भाई का साथ दीजिए, अपने बेटे का साथ दीजिए, बेटा बेटियों अपने मामा का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, ताकि मैं सीधी को आगे बढ़ा सकूं और मध्य प्रदेश को समृद्ध बना के दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों की पार्टी में शामिल कर सकूं, इसके लिए आज आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, भाई केदार शुक्ला हमारे बहुत वरिष्ठ और परिपक्व नेता है, इन्होंने सीधी का विकास किया है, आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और मैं इनके साथ खड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए और सीधे के विकास के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए आइए शिवराज और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, बोलिए आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, एक बार गगन भेदी आवाज हो जाए मेरे साथ है तो बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भाजपा को जिता कर ही चैन के साथ लेंगे, और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे, तो उठाइए दोनों हाथ, दाएं बाएं सामने चारों तरफ पीछे सीढ़ियों पर बैठे हुए भाई और बहनों आइए अपने आशीर्वाद के साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।